यहाँ अकड़म बकड़म बम्बे बो करके अपने मन से मेरी शूटिंग कैंसिल करके फोन बंद करके यहाँ झींगा लाला कर रहा है और तुम इसकी लल्लो चप्पो कर रही हो डिंपल। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो खाना नहीं खा रहा है और आई एम श्योर कोई इमरजेंसी रही होगी इसलिए शूट कैंसिल कर दी। चुप कर, शूटिंग है, फ्लाइट की टिकटें नहीं है कि कैंसिल करवा दो तो रुपयों का रिफंड आ जाता है। पता भी है एक दिन का कितना नुकसान होता है। एजी देख, इस बार मैंने दीदी से चुगली नहीं की है लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो धमकी दे रहे हो? प्रोड्यूसर हो ना आप, तो निकाल दो फिल्म से। और हां, मेरी फिल्में करोड़ों कमाएंगी, गारंटी ले रहा हूं, तो काम भी अपनी शर्तों पे ही करूंगा। गुड नाइट। ऐसे कैसे बात कर सकता है मेरे साथ? हैं? ये हो क्या रहा है इस घर में? अरे प्रोड्यूसर हूं मैं, प्रोड्यूसर, कोई गचक रेवड़ी नहीं मांग रहा उससे। देख क्या रही हो, ड्रिंक बनाओ। और अब तो वैसे दीदी ने इस घोड़े के पीछे गधी को भी लगा दिया है जो ढेचू ढेचू करते हुए इसकी सारी पोल पट्टी दीदी को बताएगी। क्या नाम है उसका? शिवांगी। नहीं नहीं, शिवांगी सावंत फ्रॉम फल्टन। ये तो फिर आ गए। अरे यार, इसे तो एजी सर ने सेट से भगा दिया था ना। गणपति बाप्पा मोरिया। काका प्रसाद। प्रसाद प्रसाद लीजिए, लीजिए, प्रसाद है। आई रे हमें, गुड मॉर्निंग प्रसाद। आज क्या होने वाला है सेट पे? नो आइडिया। आने दो। डरने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। सिनेमा। अरे वाह, फिल्म चालू झाली है। सिनेमा, सिनेमा, सपने, सिनेमा, अपने सिनेमा, मेरा मर्ज, मेरा मर, हम
अरे बारामती, बॉबी सावंत फ्रॉम फलटन, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता, तू भी नहीं, समझा क्या? गाइस, इनसे मिलिए, ये हैं शिवांगी सावंत फ्रॉम फलटन। सैंडी भाव, मेरे बारे में भी बताइए ना। छोड़ी, मैं ही बता देती हूँ। हेलो, मैं बॉबी सावंत फ्रॉम फलटन। शिवांगी चाय, सेम टू सेम। तुम क्या यहाँ अंताक्षरी खेलने आई है? नहीं नहीं, मैं तो उनको बोली थी कि मैं बॉबी सावंत, चुप कर अपना काम कर बस। हम असमय वही कोई। ओके, आज से ये एजी के पीए हैं। शिवांगी, तुम्हें ये जॉब तो मिल गई है, पर तुम्हें एक फ्री में एडवाइस देना चाहता हूँ। ओ सर, एजी से जितना दूर रहोगी, जितना आउट ऑफ फ्रेम रहोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। लेकिन मैं एजी सर का भरोसा जीत लूंगी, मैं बेस्ट पीए बनूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? हाँ, मैं ये सबको शांत करा दूंगी। तू जा, घर जा। नहीं नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, तू चल मेरे साथ। अरे सुन ना, आज मेरा फर्स्ट डे है। हाँ। तो तू मेरी फेवरेट कोथिंबीर वड़ी और ठेठसा बनाएगी, प्लीज प्लीज। बनाऊंगी। चल जा फिर, अभी बना। बस मेरे पीछे पड़ी है, चल जा। लेकिन देख, तू संभाल के, थोड़ा अपना ध्यान रख। अरे मेरी आई जाना। मस्त कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगी तुझ्यासाठी। वियर्ड बंदा है ये सैंडी, खुद ही इंटरव्यू फिक्स किया और अभी खुद ही गायब है। एक्सक्यूज मी, ये सैंडी सेट पर है क्या? क्यों? एक्चुअली उन्होंने मुझे एजी के इंटरव्यू के लिए बुलाया था और अब वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उनके पीओ को बुलाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू। काहे रे टोटो? वो मीडिया आई है एजी सर से मिलने, उनका इंटरव्यू करने। अच्छा? मगर एजी सर तो है नहीं और मुझे पता भी नहीं वो है कहाँ, तो मुझे लगा कि आप उनकी पीए हो, आपको तो पता ही होगा कि वो है कहाँ, तो आप चलिए मीडिया से बात कर लीजिए एक बार। नमस्ते, ये एजी सर की पीए है। ओके, मी शिवांगी। एक्चुअली सैंडी सर थोड़े बिजी हैं और एजी सर तो और भी ज्यादा बिजी हैं, मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ इंटरव्यू के लिए। तब तक आप लोग क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोकम शरबत? चाय कॉफी तो पूरे दिन भर ही पीते होंगे, कोकम शरबत बहुत मस्त है, वो पी लो। आप लोग एजी सर के गेस्ट हो ना, तो आप वैनिटी में ही जाके बैठ जाओ आराम से। थैंक यू। बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है सैंडी, आप कहाँ थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। हाँ, अच्छा एक मिनट। हाँ अरे सर, वो साइलेंट पे चला गया था, पता ही नहीं चला। एजी दो मिनट में आ रहे हैं, अभी आपको आके ज्वाइन करते हैं, तब तक आप चाय नाश्ता लीजिए। स्पॉट दादा, चाय, चाय नाश्ता पूछिए सर को। आइए ना सर, चाय, बैठिए बैठिए। क्या कर रही हो, मर गोगी क्या? एजी को अपनी वैनिटी के आसपास लोग पसंद नहीं है, तुम इन लोगों को अंदर लेके जाने वाली थी? पर सैंडी धीरे बोल। सर ये लोग तो एजी सर के मेहमान है ना, तो उनको बाहर बैठने बोलूंगी तो फड़केंगे ना एजी सर, इसलिए उनको वैनिटी में बैठने बोला। कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए? 3 दिन। तो ये कि मैं एजी के साथ 10 साल से, आई नो हिम, और तुम्हें ज्यादा नहीं पता है तो चुपचाप बैठो, अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। अरे पर सैंडी सर दिमाग है, मोबाइल फोन थोड़ी है कि स्विच ऑफ करके बैठ जाऊं। ये तो प्रॉब्लम है, दिमाग है, मोबाइल होता ना मैं कब का स्विच ऑफ कर देता। मंजे ये कि एजी के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। पर मैंने बोला ना प्लीज। प्रो प्लीज फोन उठा ले, आज लेट मत हो जाना, सीनियर मीडिया वाले लोग हैं, पता नहीं क्या क्या छाप देंगे।
गरम पानी, नींबू पुदीना डाल के लाएं, हिचकी जट से फुल स्टॉप हो जाएगी। अभी ठीक लग रहा है ना? एक मिनट, तुम अभी तक यहीं हो? ओ सैंडी दादा। और मैं सर से दादा कब हुआ? आपको सर से ज्यादा दादा सुनना अच्छा नहीं लग रहा है? अपना फन सा लगता है, और टाइम के साथ साथ रिश्ते भी गाढ़े हो जाने चाहिए ना। तू अपने ये ज्ञान के मोती ना मेरे ऊपर वेस्ट मत कर। सैंडी दादा, मेरे लिए नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तारा मैम ने बहुत भरोसा करके पीए बनाया। हाँ, मेरे से पहले दिन हो गई गलती। मुझे वो छाता बनकुल बनकुल करने नहीं आता था, लेकिन अभी मस्त मैंने प्रैक्टिस कर लिया। मक्खन जैसा बनकुल 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 करती हूँ छाता को। कहाँ से आई है तू? गिव अप ही नहीं कर रही है? मैं शिवांगी सावंत, नाम तो सुना ही होगा। आज मैंने एजी सर की वैनिटी खुद सजाई है। अरे वो वैनिटी को देख के दिनों दिन धुआं करेंगे। मेरी माँ, वापस वैनिटी में जाओ, उसको वैसा ही कर दो जैसी थी। क्यों? क्योंकि एजी को पसंद नहीं है कि कोई उसकी वैनिटी में जाए, उसके सामान को छेड़े। हेट दिस थिंग। टेंशन ना को, मैंने ऐसी सजाई है ना वैनिटी, ऐसी सजाई है मतलब बिल्कुल घर जैसी, जैसे मेरा फल्टन वाला घर है ना वैसी, किसी को भी पसंद आ जाएगी। अरे उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। जी मां, फल्टन नहीं है, यहां अलग सिस्टम है। जो बोल रहा हूं वो करो। अब तो ट्रेन छूट गई, वो देखो एजी सर आ गए। एजी प्रो गुस्से में लग रहे हैं, पक्का आज कोई कांड होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।